गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोमसोम। हम जोमसोम में हैं और मैं कल जोमसोम आया था शाम को और मैंने यहाँ पे रूम लिया था और आज मैं निकल रहा हूँ मुक्तिनाथ के लिए। हालांकि मेरा मुस्तांग पूरा हो गया लेकिन लोअर मुस्तांग का जो परमिट होता है वो मुक्तिनाथ तक होता है और वो बहुत फेमस मंदिर भी है, उसके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं से। और परमिट वगैरह जब बना है तो जाके घूम आते हैं। और बस यहाँ से 24 किलोमीटर है और थोड़ी देर पहले जैसा कि देखा आपने हमारे रूम से बाहर का नज़ारा, अभी आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखो हमारे रूम से बाहर का नज़ारा, रुको खोल के दिखाता हूँ। तो भाई ये ऊपर देख रहे हैं स्नो कैप माउंटेंस, गोपरों में लग रहा है बहुत दूर है बट ये बहुत करीब है। मैं ट्राई करूँगा अपने फ़ोन से दिखा दूँ। और ये नदी भाई गजब है गजब। देखा ये आग के पास ये बछड़ा खड़ा होकर आग सेक रहा है, मतलब कि बाहर ठंड बहुत है, मुझे अच्छे से लेयरिंग करके जाना पड़ेगा। ओके ये खुलेगा तो नहीं, तो चलते हैं बाइक के पास। मैं बाइक के पास सुबह गया था, बाइक को स्टार्ट किया था, एक किक में स्टार्ट हो गई, रात को -3 तक गया था टेम्परेचर, आज रात को -4 या -5 जाएगा, मैंने वेदर रिपोर्ट देखी है। और ठंड इतनी है कि मुझे आज ये जैकेट पहन के जानी पड़ेगी। मैंने अभी भी वो जैकेट और उस रेन कवर पूरा लिया हुआ है झील वाला, वो बहुत अच्छा मतलब प्रोटेक्ट करता है हवा से, ठंड से, बारिश से, पानी से, बर्फ़ से भी करेगा ही। बर्फ़ अभी नहीं पड़ रही है लेकिन कल के बाद से शायद थोड़े ऐसा आ रहेंगे, बर्फ़ पड़ सकते हैं यहाँ। तो कल सुबह सुबह तो मुझे इसी टाइम निकल जाना है। और अभी टाइम हो रहा है, मैं बताता हूँ, अभी टाइम हो रहा है 8:59, वो भी नेपाल के। और यहाँ पे मैंने रख लिए हैं, मैंने अपने गम बूट्स रख लिए हैं, मैंने अपना रेन कवर रख लिया है, कुछ सामान रख लिया है, इसमें बिस्किट वगैरह थोड़े मोड़े हैं, चार्जर्स रख लिए हैं, पावर बैंक रख लिए हैं। ये मेरे पास कुछ इंडियन करेंसी है, ये मेरे पास कुछ नेपाली करेंसी है, कुछ पर्स में भी है। अब नेपाली करेंसी को कुछ पर्स में रख लूँगा क्योंकि पर्स से यूज़ करना है। मुझे 24 किलोमीटर जाना है, 24 किलोमीटर आना है, अप्रॉक्स 50 मान लो। और आने के बाद फिर मैं आज जोमसोम में ही रुकूँगा। जोमसोम में रुकने के बाद मैं कल सुबह यहाँ से निकलूँगा, कल देखता हूँ कहाँ जाता हूँ, लेकिन मेरा मुस्तांग आज हो जाएगा कम्प्लीट। तो चलो सीधे मिलते हैं बाइक पे। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम रुके थे इस होटल में, बाइक हमारी इस होटल के पीछे है, दिखाता हूँ। इन्हीं की ज़मीन होगी, तभी तो बोला इन्होंने खुद कि पीछे खड़ी करो। और यार एक चीज़ बताता हूँ, आप लोग कभी ऐसे ठंडी जगहों पे या फिर ऐसी जगहों पे आओ बहुत सारी मेहनत करके, तो आप लोग एक काम मत करना, बाइक ऐसा है तो बाइक को स्टार्ट करके ही इसको आगे पीछे करना, इसी की पावर से, अपने से ऐसे पकड़ के ऐसे खींचना नहीं। खींचोगे मेरी कमर में बहुत गंदा इस क्रैम्प आया यार, दिमाग हिल गया मेरा। आज मैं वीडियो बनाऊंगा यहाँ से मुक्तिनाथ जाने की और मुक्तिनाथ से आने की। बाइक को मैंने सुबह स्टार्ट करा था। जी दीदी आज रुकना है, कल जाऊँगा मैं ये रख के चाबी, फिर मिलता हूँ। चलो जी, आज का मीटर ज़ीरो, कल 167 किलोमीटर चली थी बाइक और आज तक हमने घर से कितना चला लिया, 574। ट्रिप ए को तो हम शुरू से वही रखते हैं, ट्रिप बी को ज़ीरो करते हैं, हो गया ज़ीरो। यहाँ थोड़ी सी सांस तो फूल ही रही है, देखो अभी बाइक भी गियर में रहने पर नहीं चालू हो रही है। हो गई, ये मेरा होटल है, ये इधर स्नो कैप माउंटेन से एकदम नज़दीक में है यार, मैं आज नहीं तो कल वीडियो बना के दिखा दूंगा। चलते हैं, अभी वैसे ऐसे कोई ठंडी नहीं है, ठंड बहुत कम है, बट बैग में मैंने सामान बहुत ज़्यादा रख लिया और मुक्तिनाथ जाके वहाँ पे बहुत सारा मतलब सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ ट्रैक करना पड़ता है। अरे यार ये पहाड़ देखो, ये सारे निर्मम पहाड़ हैं, यहाँ साल के 12 महीने कभी भी बर्फ़ पड़ती है। अरे यार यहीं से हाई चढ़ना है,
ये पुल पार करना है। इस नदी के किनारे हम थे, ये सामने हमारा होटल दिख रहा है, एक ही जो बिल्डिंग है यही है। ओ, ये रास्ता जाएगा यहाँ से लेफ्ट मुक्तिनाथ। यार मस्तान कर लिया मैंने, कुछ ऐसा लिखा नहीं है पहले। ये जो रोड आज से 2-3 साल पहले जिन लोगों ने वीडियोस डाली हैं, मैंने उनकी वीडियो देखी, पहले ये रोड नहीं होती थी, पहले ये नदी में से थोड़ी थोड़ी रोड बनाई होती थी, वहाँ से लोग जाते थे। मैं सुबह अपनी बाइक को तो चालू करके आया, मतलब स्टार्ट किया था मैंने, थोड़ी सी चैन क्लीनर भी लगाया था बट ल्यूब नहीं लगा पाया। मैंने सोचा चलो अब उधर से आके लगाते हैं। ओ भाई ये भी कल जैसा ऑफ रोड ही रहेगा क्या? लेकिन मतलब रास्ता बहुत ख़राब है आगे, पता वो छाँव में आते ही ठंड फील होने लग रही है। आज तो मैंने इनर भी पहन लिया है। देखो दोस्तों अभी इस पहाड़ पे भी थोड़े मोड़े पेड़ हैं, इधर इस पहाड़ पे भी, लेकिन सामने जो पहाड़ दिख रहा है उस पे अब एक भी पेड़ नहीं दिख रहा है मुझे, तो मतलब समझ जाओ कि अब हम एकदम से निर्मम इलाके में जा रहे हैं। इधर बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है और ये एक रास्ता ऊपर को बना रहे हैं यहाँ के लोग, मतलब यहाँ की गवर्नमेंट बनवा रही होगी। और भाई वीडियो ज़रा लंबी हो जाए तो प्लीज़ कोई लोग भी मतलब ये मत सोचना कि बोरिंग कर रहा है या फिर जो भी, क्योंकि ये वीडियो मैं अपनी मेमोरी के लिए डालूंगा यार, लंबी ही डालूंगा कम से कम मुझे याद तो रहेगा इस मोड़ पे ये हुआ था। अभी हमें याद भी दिख गए, भाग रहे हैं, अरे दौड़ा के मार रहे पीछे से। याक दिखा, याक बहुत सारे याक दिखेंगे क्योंकि जब मैं वापस आऊँगा मुक्तिनाथ से तो यहाँ पे एक गांव है, बहुत सारे लोगों ने उस पर वीडियो भी बनाई है, वहाँ जाऊँगा मैं तो वहाँ पे वे याक हैं। आगे वो पुल पार करके ऊपर चढ़ना है क्या भाई? ओ भाई आगे आएगा शायद कागबेनी, कागबेनी भी जाके आप रुक सकते हो, लेकिन कागबेनी में नेटवर्क नहीं रहता है तो अच्छा है कि 24 किलोमीटर पहले रुक जाओ, 25 किलोमीटर जोम सोम में, यहाँ नेटवर्क भी रहेगा और यहाँ पे लोग भी ज़्यादा हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो आपकी हेल्प भी, आपको हेल्प भी मिलेगी। हमें कौन सी जगह जानी है? पेकल डाडा, अरे यार मुक्तिनाथ किधर है? कागबेनी, आई थिंक यही जाएगा कागबेनी, ठीक है। बट ये मैं एक बार इस पुल पे चढ़ना चाहता हूँ यार, मेरा मन था चाबी को मैं कैसे रखूँ कि ये गिरे ना, गिर जाएगी तो गाना बज जाएगा, हालाँकि मेरे पास एक और चाबी है। ओ भाई ये हिल रहा है, लिटरली ये हिल रहा है। यहाँ पे मैं मोबाइल वगैरह निकालने का ट्राई नहीं करूँ, ऐसा नहीं ना कि ये बंद है रे, ब्लैक कलर का बोर्ड लगा था उस पर नेपाली में लिखा था, यहीं ना रह जाऊँ मैं। ओ, बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। मैं फिर भी ट्राई करूँगा एक बार कि यहाँ से अपनी मोबाइल से एक सेल्फी लूँ, और इस ट्रक की फट रही है इस पर चढ़ने में, मेरी मोबाइल अगर गिरी तो पानी में जाएगी। उधर मेरी बाइक खड़ी है और इधर स्नो कैप माउंटेन्स। मैं घर देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये इतना खूबसूरत है ये नदी के किनारे, जब मौसम मतलब ये नहीं कह रहा कि मौसम ख़राब होता होगा, लेकिन जब कोई भी मौसम एक्सट्रीम होता होगा यहाँ, या तो बारिश है या फिर बर्फ़, तो यार यहाँ की खूबसूरती हमारे जैसे लोगों के लिए एक दिन के लिए मतलब बहुत खूबसूरत रहती होगी। एक दिन से ज़्यादा यहाँ फंस गए वैसे मौसम में तो फिर वो खूबसूरती पीछे पड़ जाएगी। ये है मुस्तांग, हम लोग अभी मुस्तांग में चल रहे हैं और आज मेरा लोअर मुस्तांग कंप्लीट भी हो जाएगा। यार ये बालाकलावा बार बार मेरे मुंह में घुसता रहता है साला, सस्ता बालाकलावा। एंड आई थिंक कोई कार मेरे को ओवरटेक कर रही है, ये यहाँ के लोकल लोग हैं, किसी भी कार को बाइक को बहुत फास्ट चलाते हैं। मैं भी फास्ट चला सकता हूँ यहाँ पे, बट मैं नहीं चाहता कि कोई लोचा हो, क्योंकि कुछ भी ख़राब हुआ मेरा तो गाना बज जाएगा इधर। और आज है मेरा नेपाल में 3रा दिन, पहला दिन मैं सोनौली से बॉर्डर क्रॉस किया, पहले दिन मैंने भंसार वगैरह सब कुछ कर लिया, फिर पहले ही दिन वहीं जिससे भंसार बनवाया 100-200 रुपये नेपाली में ही एक्स्ट्रा दे के, मैंने पोखरा में रूम बुक करा लिया, और 100-200 रुपये रूम के लिए नहीं, यहाँ के पास के लिए, जो 1000 रुपये नेपाली रुपये का पास पड़ता है यहाँ पे, वो पास करा लिया मैंने यहाँ पे। मैंने वो होटल वाले ने दे दिया 100-200 रुपये नेपाली रुपये, मैंने उनको ज़्यादा दिए, मैंने कहा कि आई टेंशन लेना है, 100-200 रुपये नेपाली रुपये मैं ज़्यादा दे रहा हूँ तो अच्छी बात है ना। और अभी मैं बिना किसी हेडक के, बिना किसी परेशानी के इधर आ गया हूँ।
भाई मुस्तांग मुस्तांग है, मान गया मैं। इधर पीछे तक ये कागबेनी है, पीछे बोर्ड लगा था और मुक्तिनाथ का रास्ता यहाँ से मुड़ गया था, ये कागबेनी में नीचे वाला रास्ता चला गया और हम मुक्तिनाथ के लिए राइट मुड़ गए। पीछे दो तीन बोर्ड लगे थे, एक टायर टंगा हुआ था। आते समय मेरे को टाइम मिलेगा तो दिखाऊंगा, समझते समझते थोड़ी सी बाइक आगे निकल जाती है ना इसलिए। ओ भाई यहाँ पे स्टीपनेस और ये मोड़ देखो। गोप्रो ये सब जज नहीं करता है, यहाँ भी लोगों ने गंदगी करके रखी है यार, क्या ही बताऊं। और ऐसा नहीं है कि, ओ भाई ये देखो, देखना ये कार की मतलब स्टीपनेस देखो, और इस बाइक में कोई प्रॉब्लम आ गई लग रहा है। वो 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 अब गोप्रो ने भी जस्टिस कर ही दिया होगा कि ले भाई। हाँ ये कागबेनी देखो, उधर पहाड़ पे कागबेनी लिखा हुआ है। तो क्यों आगे निकल गए भाई मेरे से, तेरे से तो अच्छी मेरी बाइक चढ़ रही है। और उन्हीं पहाड़ों के पास कहीं होगा मुक्तिनाथ, आई एम डैम श्योर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड रहती है, बर्फ़ भी पड़ी रहती है, तो हो सके आज बर्फ़ पास से देखने को मिले। मेरी सांसें फूल रही हैं यहाँ। ये पहाड़ गजब का यार, देख रहे हो, थोड़ा अजीब ही लग रहा है, अजीब ही लग रहा है ये, बहुत गंदी स्टीपनेस है, बहुत गंदी। जो मैं सामने से देख रहा हूँ ना दोस्तों, वो कोई भी कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता, फोटोज वीडियोस में आप देख के समझ नहीं सकते। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुक्तिनाथ आओ, मैं ये कहूँगा कि जो लोग एडवेंचरस लोग हैं वो आए जो कर सकते हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, लेकिन ऐसे तो कोई मत आओ यार, ये रास्ता बहुत ख़राब है। आपने पिछली वीडियो में देखा मेरे, ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है, और मुझे हो सके कि एक दो साल में बन जाए, लेकिन एक दो साल में इतना आसान भी नहीं है कि वहाँ बन जाएगा, क्योंकि ऐसे रास्ते हैं ना, ऐसा हमारी नेचर ने वहाँ गेम खेला है कि मुश्किल नहीं नामुमकिन है एकदम वहाँ पे रोड सही करना, बना तो दिया है कैसे भी इन लोगों ने। उसी पहाड़ के अगल बगल था हमारा होटल जोमसोम वाला, मतलब उससे थोड़ा इधर उधर था, बट अभी देखो वो पहाड़ कितना खूबसूरत दिख रहा है यार। और यहाँ हम लोग कंटिन्यू हाइट गेन करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली हाइट गेन कर रहे हैं। पार्किंग एरिया है ये, किस चीज़ का आई डोंट नो। और नेपाली लोग भी आते हैं मुक्तिनाथ करने और ये जोमसोम मतलब मुस्तांग करने, इन लोग का जैसे हमारे देश में लद्दाख है लोग करते हैं, वैसे यहाँ नेपाली लोग भी आते हैं करने। मुझे आज सुबह मेरे होटल में ही मिले थे उन लोगों ने, इवन उन्होंने ये भी बताया कि हमारा होटल है पोखरा में टाइगर हिल के पास, आप आओ तो मिलो। मैंने कहा ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो जाऊँगा, वरना मेरे को तो पता ही नहीं है पोखरा में टाइगर हिल होगा कहाँ। ये कुछ ऐसी जगह एकदम, यहाँ पे आपको लगेगा ये सीधा है बट ये एकदम बिल्कुल स्टीप है। यहाँ पे बाइक मेरी सेकंड गियर में नहीं चढ़ रही है, और मैं यहाँ से 360 व्यू दे देता हूँ अपनी बाइक के पास से, इसी को मुस्तांग कहते हैं भाई। देखो ये जगह, ये बिल्कुल निर्मम इलाका है, इधर जानवर भी बहुत कम रहते होंगे, और देखो और उस पहाड़ पे एक मतलब अभी रास्ता पैदल चलने के लिए लोगों ने शायद बनाना स्टार्ट किया है, या फिर जो भी पैदल जाते होंगे पहाड़ के ऊपर, बट उतने ऊपर ऐसी लाइनिंग आसान नहीं है भाई। और मेरे बाल देख सकते हैं आप लोग, बहुत मुश्किल है मुस्तांग, बहुत मुश्किल है। पीछे कार वाले लोग, ये कारें ठीक चलती हैं, ग्रीन नंबर प्लेट मतलब ये हैं टूरिस्ट व्हीकल, इनको कोई नहीं रोकता, कोई नहीं छेड़ता यहाँ। चलो चलते हैं यहाँ से। नेपाल इज़ टू ब्यूटीफुल यारो, नेपाल बहुत सुंदर है, बस यहाँ आने का रास्ता थोड़ा सा ख़तरनाक है, बट ये है बहुत सुंदर। और मैं जो भी बताता हूँ, जो भी करता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि यही है ही, मतलब इतना ही ख़तरनाक है या फिर ख़तरनाक नहीं है। जो मैंने फेस किया, जो मुझे लगा कि नहीं मेरे लिए मुश्किल है, मैंने वो बता दिया। और ये खूबसूरती देखो, अब और अभी तक मैं यही नहीं जान पाया कि ये जो पहाड़ है बड़े वाले, ये इसका नाम क्या है। चलो आगे चल के देखते हैं, पता तो चलेगा ही, बट मज़ा आ रहा है यार यहाँ राइड करने में। मिस यू दोस्तों जो मेरे साथ राइड करते थे। मैं ऊपर से जो छोटे छोटे झरने आ रहे हैं वो चमक रहे हैं, क्योंकि वो जम गए। अभी मैंने एक वाटर क्रॉसिंग पार की यहाँ पे, वो भी जम गई थी। और हम लोग हैं अभी जोमसोम से सिर्फ 17.3 किलोमीटर आगे, मतलब मुक्तिनाथ के तरफ, और इधर ठंड वहाँ से कहीं ज़्यादा पड़ रही है इसका मतलब। और भाई मेरी बाइक बहुत स्ट्रगल कर रही है,
देखो यहाँ पे अगर वाटर क्रॉसिंग होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ बर्फ जम गई है। तो इसको अंडरग्राउंड कर दिया है इस वाटर क्रॉसिंग को, फिर भी देखो यहाँ पे बर्फ जमी हुई है। देखो ये बर्फ जमी हुई है, ओ भाई इधर भी जमी है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तोड़ के जाके दिखाऊँ, बस मान जाओ मेरी बात, यहाँ ठंड पड़ती है भाई। ये बहुत गड़बड़ रास्ते आ रहे हैं, क्लियर हो जाएगा कि यहाँ बर्फ जम चुकी है। देखा आप लोगों ने, अभी थोड़ी थोड़ी पिघलना स्टार्ट हुई है और ये पूरे पहाड़ पे, इसका मतलब इस रोड पे मुझे ब्लैक आइस भी मिल सकती है कहीं। तो भाई ध्यान से चला भाई सुमित, गाना बज सकता है तेरा इधर कहीं। बट यहाँ शांति है यार, मैं आया था एक दिन के लिए, कल जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं डर रहा था कि मैं अकेला हूँ, कैसे रहूँगा इतनी दूर, ये वो। बट आज रात को ही मेरे को फील हो गया कि नहीं एक दिन और रुक जाना चाहिए, क्योंकि आज यहाँ मुक्तिनाथ आराम से घूमूंगा, आज रात को यहाँ ही रुकूंगा, कल यहाँ से आराम से मेरी जहाँ मर्जी वहाँ निकल जाऊँगा। ओ भाई कितना खूबसूरत है मुक्तिनाथ, बस 3 किलोमीटर है यहाँ से, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से पानी आता है और ये पूरा जम चुका है रात को। यहाँ तो खुल गया है क्योंकि यहाँ ज़्यादा पानी है, और ये पानी यहाँ भी ऊपर थोड़ा मोड़ा जमा हुआ है। बट यार अच्छा हुआ मैं इधर आके नहीं रुका, नेटवर्क भी नहीं रहता, रात को कुकड़ी भी बन जाती। और यहाँ से मुक्तिनाथ है 2 किलोमीटर, पीछे गांव गुजरा है झारकोट। यह है पूरा पार्किंग मुक्तिनाथ का, मतलब 4 व्हीलर्स करिए, बाइक थोड़े आगे तक जा सकती है। चलते हैं देखते हैं हम कहाँ। ओ भाई टेंपल किधर है, टेंपल 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 मुक्तिनाथ, अच्छा उधर जाना है, उधर बाइक जा सकती है ना। थैंक यू, मैं उल्टा आ गया था। आएंगे ये जो पार्किंग है यहाँ से लेफ्ट आपको मुड़ जाना है, ये कार जिधर जा रही है उधर ही से हम आए हैं नीचे से। और यहाँ पे बाइक्स वगैरह का तो कुछ नहीं लगता है, मैंने वीडियोस में देखा है। पड़ेगा किसी से। ओ कितना क्यूटी सब पिल्लू है यहाँ। भाई अभी नहीं आना इधर, तू छुपे रहो इधर से। ओ दीदी बाइक चली जाएगी ना, ठीक है भाई ये कार। ये किधर गया, दब ना जाए बाइक से मेरे। रिकॉर्डिंग मैंने बंद नहीं करी है, बस ये कार वाला निकल जाए उसके बाद ये आ गया तो हट गया। ठंड है भाई, चलाते हैं यही लगाते रहो। ऊपर मंदिर था, मैं यहाँ से सेटअप करके मिलता हूँ आपसे। तो जी जैसा कि देखा आप लोगों ने, हम पहुँच गए हैं मुक्तिनाथ जी के दरवाजे पे, मतलब ये मेन गेट है, यहाँ से ट्रैक करके ऊपर जाना है, अच्छी खासी दूरी है। और ये लोग भी हैं यहाँ पे, मेरी बाइक इधर साइड में खड़ी है यहाँ पे, और चलते हैं ट्रैक करने। यहाँ पे ये ऐसा कुछ दरवाजा है, और मैंने सारा अपना